बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन आज जो हमारा लेक्चर होगा ये होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फिफ्टीन ठीक है सो कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डराइव फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये डिराइव होते हैं ऑर्गेनिज्म से क्यू बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक वाइटल फोर्स होता है सुपर नेचुरल फ़ोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंडस ये बर्जेलस ने एक त्यूरी पेश की थी जिसको वाइटल फोर्स त्यूरी कहते हैं उसने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक वाइटल फोर्स होता है मतलब सुपर नेचुरल फोर्स होता है जिसमें एबिलिटी होती है टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकिन इस कंसेप्ट को चेंज किया गया किसने चेंज किया होलर ने होलर ने ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी के कंसेप्ट को है इसको उसने चेंज किया क्यों क्योंकि उसने प्रिपेयर्ड किया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबॉर्ट्री उसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड किया लेबॉट्री में उसने क्या किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट को लिया उसको उसने हीट किया जब उसको उसने हीट किया तो उसने यूरिया बनाया ठीक है सो यूरिया इज ऑर्गेनिक दिस इज़ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सो नॉन लिविंग थिंग से भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो ठीक है दिस कंपाउंड चाहे लिविंग से आप यूरिया बनाएं या नॉन लिविंग से यूरिया बनाएं इसमें जो कार्बन है वो मेन कंपोनेंट होता है ठीक है लेकिन फिर बहुत से ऐसे कंपाउंड आए लाइक सी ओ टू एच सी एन जिसमें कार्बन तो था लेकिन ऑर्गेनिक नहीं थे तो फिर जो डिफीनिशन चेंज हुई कि दो कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मतलब हाइड्रो कार्बन हो तो उसको ऑर्गेनिक कहते हैं फिर मसला यहाँ पे भी क्रिएट हुआ कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा लाइक सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी थे सो so फिर जो डिफिनीशन आई वो ये थी कि कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन और दे आर मतलब कि जब आप हाइड्रोकार्बन के एच को रिप्लेस करें किसी और ग्रुप से लाइक सी एल से या एन एच टू से तो इसको डरावेटिव ऑफ हाइड्रोकारबन् कहते हैं नेक्स्ट जो होगा वो के के दोस्त कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक विच हैव एट लीस्ट वन फंक्शनल ग्रुप आजकल जो डिफिनीशन है जो सबसे आसान डिफिनीशन है वो ये है कि आल कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक विच हैव एट लीस्ट वन फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बज़ाते ख़ुद इनऑर्गेनिक होता है लेकिन जब ये अल्काइल ग्रुप मतलब आर रेडिकल के साथ अटैच होता है तो इट बिकम्स व्हाट ऑर्गेनिक इन नेचर फिर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स और एनी स्ट्रक्चर यूनिट लाइक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ठीक है विच गिव स्पेशल प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड आर कॉल्ड क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहते हैं फिर एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं अब अल्केन में सिंगल बॉन्ड अल्कैन में डबल बॉन्ड अल्कैन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और अगर आप अल्कोहल को देखें सी एच थ्री ओ एच फंक्शनल ग्रुप है फिर अगर आप अल्काइल हैलाइड को देखें तो इसी तरह अगर आप देखते जाए फंक्शनल ग्रुप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये जो सी एच थ्री है बेसिकली ये आर जिसको आप अल्काइल कहते हो अल्काइल मीन ये बेसिकली रेडिकल होता है क्या होता है रेडिकल जिसके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो so इसको आप सी एच थ्री ग्रुप कहते हो मिथाइल या रेडिकल कहते हैं ठीक है नेक्स्ट फिर के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो कैटिनेशन है सेल्फ लिंकेज है कार्बन आपस में भी लिंक बनाता है और डिफरेंट एटम्स के साथ क्यू बनाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड एबिलिटी टू फॉर्म कोविलन बॉन्ड्स या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ये नॉन आयोनिक होते हैं क्योंकि कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसके कंपाउंड क्या होते हैं नॉन आयोनिक होते हैं मतलब कोवेलेंट होते हैं क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना कम है और ना ज़्यादा है टू पॉइंट फाइव फोर है ठीक है आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है आइसोमी से मीन पार्ट्स जिसका मालिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 2D और 3D एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं फिर होमोलोगी भी होता है होमोलोगी का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सीरीज़ होते हैं मुख्तल उसमें में एडजस्टेंट मंबर एक दूसरे से डिफ़र करते हैं बाई मिथाइलिन ग्रुप सी एच टू या बाई फोटीन एम यू ठीक है या मी या सी एच टू ग्रुप या मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं या फोटीन एम यू भी कहते हैं फोरटीन एम यू क्यों कहते हैं पता है आपको क्योंकि एक कार्बन की जो होती है ट्वेल्व एम यू होता है और हाइड्रोजन दो है सो ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन एम यू फिर सोलिबिलिटी ये इंसॉलुबल इन वाटर एक्सेप्ट कंपाउंड कम्पाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कंपाउंड सिर्फ सोलबल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लेकिन वो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन वन से कार्बन फोर तक जिनकी चेन हो इससे ज़्यादा फिर वो इन्सॉलुबल होते हैं इनके रिएक्शन स्लो होते हैं क्यों स्लो होते हैं क्योंकि कोवेलन बॉन्ड्स है कोविलन से और कोविलन बॉन्ड्स बनता है ओवरलैपिंग ऑफ से फिर अगर आप देखें यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सो यूजेस एज अ फूड यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्लॉथिस फाइबर में सोप डिटर्जेंट फ्यूल सी एन जी एल पी जी गैसोलिन लुब्रिकेट स्पै पॉलिश प्लास्टिक फर्टिलइजर्स पेस्टिसाइड्स एक्सप्लोसिव पेपर एंड इंक ड्रग्स मेडिसन ड्रग मेडिसन में फ़र्क हो देखें दोज ड्रग्स विच आर यूज किजीज़ आर कॉल्ड क्या क्या कहते हैं उसको मेडिसिन कहते हैं फिर ऑक्टेन नंबर हम गैसोलीन फ्यूल मतलब पेट्रोल में यूज़ करते हैं, सीटेन नंबर डीजल में ऑक्टेन नंबर का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ आइजो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइजो ऑक्टेन एन एन हैपटेन